पैनलिस्ट है, उनकी आज की रिकमेंडेशन समझ लेते हैं। राजेश, आज आपकी रिकमेंडेशन क्या होंगी? क्या ऑफकोर्स जिस तरह से अगर ये छोटी नरमी है तो ये तो जहां जहां गिरावट दिख रही है या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है वहां तो एक्यूमुलेशन का मौका होना चाहिए। क्या है आपके आज के बेट्स? तो प्रियंका जी, पहला स्टॉक मेरा जी इंटरटेनमेंट है। जील में अगर हम देखें तो काफी अच्छा बाउंस बैक यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में अगर देखें तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से जिस तरीके से मोमेंटम बना है यहाँ पे, अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें 210 से लेके 215 तक के अपसाइड आते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस अब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक पिछले 5-10 मिनट में काफी अच्छा मूव बनते हुए दिखा है, तो अब स्टॉप लॉस को यहाँ पे 192 के आसपास लेके आना होगा, और टारगेट 210-215 तक हमें लगता है जील में आते हुए दिखेंगे। जो दूसरा स्टॉक है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कैनरा बैंक के साथ जाना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे एक मल्टीपल सप्लाई जोन के ऑलरेडी हुए थे डेली चार्ट पे, उसको होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, और अगर हम देखें तो आज वापस से ये स्टॉक में गिरावट के मार्केट में भी आज वापस से इसमें डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्लियर एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो छोटी जो डिप थी वापस से लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है और रिकवरी पूरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आना चाहिए कैनरा बैंक के 345 से 350 तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 320 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें ओह, आई थिंक राजेश से कनेक्ट टूटा है। तीसरा स्टॉक भी वो बता रहे थे हमें, कोई नहीं, उनके पास वापस लौटते हैं। लेकिन इस बीच जो स्टॉक्स उन्होंने बताया हमें वो कैनरा बैंक, जिस पे आप खरीदारी करें 345-350 के लेवल्स के लिए। मितेश, आप एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स की बात कर रहे थे, आप अपनी रिकमेंडेशन बताएं प्लीज़। तो रिकमेंडेशन चार है। पहला है अंबर इंडस्ट्रीज, 2100 से 2200 के बीच में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है स्टॉक ने, और 2200 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, तो हमको लग रहा है ये ट्रेंड रिवर्सल है, बहुत ही तगड़ा रिवर्सल है, और यहाँ से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। तो अंबर इंडस्ट्री में पोजिशन ली जाए 2050 के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट रहेगा 2500 का, दूसरा टारगेट रहेगा 2800 का, ये पूरा ट्रेंड रिवर्सल है। दूसरा है हनीवेल ऑटोमेशन। आपको पता है हम लोग एमएनसी स्टॉक्स के ऊपर बहुत ही बुलिश है, एमएनसी इंडेक्स के ऊपर भी बहुत ही बुलिश है, उसी श्रृंखला में ये और एक स्टॉक है हनीवेल ऑटोमेशन। 41,800 के ऊपर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है, और सिस्टम और मेथड एडवोकेट कर रही है कि यहाँ से एक लंबी बारी के लिए स्टॉक रेडी है। तो हनीवेल ऑटोमेशन में करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपका 40,000 का रहेगा, पहला टारगेट 48,000, दूसरा टारगेट 52,000। तीसरा है लक्ष्मी मशीन। लक्ष्मी मशीन में भी 12,000 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना है, और ये बेस जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड है, तो मंथली और क्वार्टरली चार्ट एडवोकेट कर रहा है कि लक्ष्मी मशीन में एक बहुत ही लंबी बारी की एक शुरुआत होगी। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 11,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, पहला टारगेट इसमें रहेगा 16,000 का, दूसरा टारगेट रहेगा 18,000 का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में 506 के ऊपर डेली और वीकली चार्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में बहुत ही लंबी अवधि के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। उसमें ₹510 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड ले सकते हो, जिसमें टारगेट रहेगा पहला 680 और दूसरा 750।